आयुष आर्यन तपन। मैं कह रहा हूँ ये मर के द्वारा पैदा हो जाए, इतनी खूबसूरत लड़कियां ना मिले इनको। ये बट सही है, पीछे किसी बात करते आगे वाले से बहुत ही रहती बात। ये सर आप जो एकदम सेकंड लास्ट रो में बैठे, हाँ जी आप, वेरी गुड, यस। क्या सर आपका नाम क्या है? शशांक। शशांक क्या करते हैं आप? सपोर्ट मैनेजर। अच्छा कस्टमर सपोर्ट, वही मैं कही तो। अरे भाई हमें नहीं, आप ये सपोर्ट छोड़ के आगे कुछ गिर जाए वहां। कह रहे ये बिल्डिंग की माँ कैसे कह रहे शशांक था वो चला गया है। उसने कहा मंडे आके उठाएगा वो। ओ सही सही, कस्टमर सपोर्ट सही। कौन क्या कर रहे हैं कस्टमर फिर, मतलब आप क्या सपोर्ट की चीज का? अच्छा इंश्योरेंस ब्रोकरेज फर्म, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा कुछ हो गया आप दे दो हमें। वो क्या देना होता है बाद में? क्लेम दे दो हमें ऐसा कुछ। हाँ तो आप मना कर दे रहे हो गए। नहीं यही करना होता है मेरे को तो आज तक हमारे, मतलब दो तीन बार जब तबीयत खराब हुई है तो हमने कहा कि हमारा तो इंश्योरेंस है, तो हॉस्पिटल वाले कह रहे होता तो सबका है। अरे नहीं देते फिर आप पहले बार पैसे देके आ जाते हो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी कॉल करते हो, थोड़ा पैसा तो दे दो यार। मैंने इतने मन से प्रीमियम भरा था। कहते 10 रुपए दे देंगे आपको आप। हाँ अरे फ्रूटी पे नहीं नहीं फ्रूटी खा लो, चौमिन खा लो, टॉफी 10 रुपए की टॉफी। ये 10 की बड़ी, ये कौन सी टॉफी है भाई? इसने खाई है, आपने दी है, मतलब ये क्या? और आपने 10 रुपए भी लिए उसके, छी है। ऐसे कस्टमरों को तो मना ही कर दिया करो कि तुम्हारा तो और लगेगा 1,00,000 रुपए। अच्छा ठीक है, तो आप किन के साथ आए? ये अच्छा इन दोनों के साथ आए, अच्छा नाइस। तो आप सर, भाई साहब आपका नाम? निकुंज। बड़ा सही नाम है तो। वाह पहली बार जे से खत्म हो गया नाम, नया नाम, वेरी गुड। क्या क्या करते हैं आप? मैनेजमेंट ट्रेनी। कहाँ? रैपिडो। रैपिडो वो हाँ ऑटो बाइक। हाँ तो आप किनको ट्रेनिंग दे रहे हो? ऑटो वाले को, किसको? मतलब ऑटो डिपार्टमेंट है। बेंचो ऑटो की इतनी इज्जत, वो ऑटो जो बेंचो चलते नहीं है कहीं पे, सिर्फ खड़े कर रखे आराम जादों ने, जाते ही नहीं कहीं। मैं जाओगे? नहीं भाई क्यों, जाम पता कितना है, ये क्या वजह मना करने की? तो मैं क्या करूं, मैं भी घर रहा हूं। सही ऑटो डिपार्टमेंट। तो क्या ट्रेनिंग आप क्या बता रहे हैं उनको, क्या ऐसा क्या नया समझा रहे हैं आप? अरे अभी खुश ही एकदम से गेम पलट दी। अच्छा 2 महीने पर, लेकिन मान लो 6 महीने हो गए, आप बताओ क्या करना है आपको? जिम्मेदारी तो पता चल गई होगी ना, या सीखते ही रहना है, या आपका वो वाला काम है ऑटो वाले के साथ यहाँ बैठाया हुआ आपको? बड़ी सही सीट होती है वाली, मजा आ जाता है। हाँ हाँ जी भाई, वीडियो आगे चलती रहेगी, आपने नहीं रुकना, आपने सुननी मेरी बहुत जरूरी वाली बात जो मैं आपको बताने आया हूं। मैं आपको बताने आया हूं इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड ऐप लोटस 365 के बारे में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है पता है कौन है? है वो अपनी काजल अग्रवाल, और वो नहीं है जो पंथ के पीछे पागल है, उर्वशी रुटेला, और वो भाई साहब जो बाप का दादा का उसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। 2015 से ये एप्लीकेशन इंडिया में है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स इन इंडिया। और आपको इस एप्लीकेशन पे क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल के अपडेट भी मिलते रहते हैं। इस एप्लीकेशन पे ना 1,000 से ज्यादा गेम्स खेल सकते हैं, और इतने सारे मैं बता इतने सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं आप। लोटस 365 वाले ना आपको बहुत तेज अपना जो विनिंग अमाउंट है वो विड्रॉ करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऐसे फटैक करके आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। और ये सब यही नहीं खत्म हो रहा, लोटस 365 वाले आपको 24 घंटे सातों दिन कॉन्स्टेंट सपोर्ट दे रहे हैं ऊपर से। मैं इमोशनल हो जाऊंगा मैं तो।
और देखो भाई साहब, ये जो आपको एक्साइटिंग प्राइसेस दे रहे हैं, पता है उसमें क्या क्या है? रॉयल इनफील्ड वो जो चलती है ऐसे, S22 सैमसंग वाला, और आईफोन 13 भी। मैं कह रहा हूं आपने देखिए रुकना नहीं, जब इतने सारे लाभ हैं इस एप्लीकेशन के तो फटाफट डाउनलोड करके यूज करना शुरू कर देना है, और साथ में वीडियो देखते रहना है, वो मेन काम है ना, वीडियो देखो। चलो 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 चलो। हाँ, क्या आप क्या पढ़ाई करते हैं? बीकॉम। कहां तक पहुंचे हो बीकॉम में? सेकंड चल रहा है ना, वहीं छोड़ दो। डिग्री में भेलपुरी बेचनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं बीकॉम डिग्री, मैं बता रहा हूं। जीरो जीरो वैल्यू, जीरो। उस पे रख के बैंचो फाफड़ा खा लो, मैं कह रहा हूं फिर ठीक है। बीकॉम कैसे बताऊं, इधर बीकॉम की डिग्री गिरी है, इधर ताजा ताजा गाय ने किया है, गुम उठा के घर आ जाओ, बीकॉम रह लो। बीकॉम बहुत गंदी चीज है दोस्तों, मैंने कर रखी, मैं बता रहा हूं इसलिए। अच्छा सही है, वेरी गुड, नाइस, वेलकम टू द शो। और कैसे आप लोग, कितने थर्ड रूम में कितने लोग साथ हैं? आप दोनों ही साथ हैं, अच्छा बड़ा सही, बैठे बीच में एकदम से। वो दो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बिठा रखे हैं। ये फालतू बोल के दिखा, पैंच हुआ मैं। नाइस, वेरी गुड। तो आप क्या नाम है आपका? भानु। तो सुना सुना सा नाम है, इसका क्या मतलब होता है? मैं सुना है नाम सन। अच्छा फिर ठीक है, हाँ सही सही, टाइम से आया करो सुबह। सर्दियों में नखरे बहुत बढ़ जाते हैं तुम्हारे, मैंने देखा है। हाँ हमें ठंड लग रही होती यार भानु, व्हाट इज दिस, मेरे करीब मत आ जाना, लेकिन तुम कहीं क्या ठंड लग रही, आओ तपन दे दूं। क्या करते हैं भानु? बीबीए कर रहे हो? लो बीकॉम से कुछ गंदा है तो बोल रहा। तो आपकी इज्जत बढ़ गई हल्का, आपको पता लगा? जस्ट आफ्टर दिस तो आया, चलो मंटी जी आ गया एकदम से। अच्छा बीबीए कर रहे हो, कहाँ से? आईपी से कर रहे हो, ठीक है। और कहाँ, कैसे जानते हो एक दूसरे को? ब्रदर सिस्टर। सही, तो आप क्या कर रहे हो एज अ सिस्टर? नाम क्या है आपका? एज अ सिस्टर, अरे मतलब अरे एज अ ह्यूमन यार, ठीक है, एज अ होमो सेपियन। क्या निधि नाम है आपका, आप क्या कर रहे हो? एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है, नया नया सा लग रहा है सुन के बड़ा, हमें नहीं पता। मैं तो देखो हम दोनों बीकॉम करिए, हमें घंटा नहीं पता चल रहा। क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब? पॉलिटिकल साइंस का ही सब डिवीजन है। हाँ बस इतना ही, नहीं मैं कह रहा हूँ एक बार निधि, देखो मैं समझाता हूँ। एमए हो गई, मिल गई डिग्री, ठीक है, पार्टी भी हो गई डिग्री की। अब क्या जिम्मेदारी है आपकी, जब अब कहाँ नौकरियाँ कहाँ लगती हैं इसमें जाके? फिर यू विल गो फॉर पीएचडी, तो मुझे कब बताओगे क्या काम करना है? ये टफ करते जानकी, अभी पढ़ा है तुम बीकॉम वाले, एक तो बहन के लग। अभी मैं और पढ़ूंगी, जब तक भानु चंदा नहीं बन जाता बहन। पीएचडी तो ठीक है आपने पढ़ लिया, फिर क्या आप बताओ? प्रोफेसर बस। भाई और आपको पता नहीं, यमराज रेड लाइट तक आ गए थे ऑलमोस्ट। कि ये तो नहीं बता रही इंदर तू चल यार। वो भी पैसिफिक की बत्ती में फंस गए होंगे बहन। बैंकर। अच्छा तो एक से आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, आपको हिंदी समझ आ रही? वाह भगवान का शुक्र है। बट लेकिन आप इंग्लिश में जवाब दें, आप टफ हो जाएगा ना फिर। हाँ हिंदी में दे सकते, नहीं बीकॉम वालों को समझ नहीं आएगा ना, मतलब मैं उनकी सोच रहा हूँ, मेरा तो ठीक है, मुझे भी नहीं आएगा, बट ठीक है। हाँ मतलब अच्छा बैंकर कहाँ पे? फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस तो बड़ा सही है। तो आप वहाँ बैंकर? सही, तो आपको समझ आ गया वहां पे कैसे करते हैं, मतलब डिपॉजिट वगैरह सब कुछ? नहीं हमें इधर बैंक पंजाब नेशनल बैंक का नहीं आ रहा। वहां नहीं समझ में आ रहा किससे लेने पैसे, वहां कभी कभी पेन स्लिप आ रही है, पैसे लेने आया ना, लो बैंक जाओ।
ये क्या बात है यार, अकाउंट नंबर भी नहीं पूछ रहे। अच्छा तो फ्रांस से यहाँ कैसे आप, मतलब कैसे बिजनेस ट्रिप इंडिया HSBC में आप? अच्छा HSBC फ्रांस का बैंक है, फ्रांस में इक्विटीज है, ठीक है कुछ तो होता होगा ये। ऐसे देखो मोमोज तो यहाँ भी हैं, अगर आप वो वाली बात करें मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है बट लेकिन हाँ तंदूरी भी है। हाँ अच्छा तो इक्विटीज बिजनेस ट्रिप ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें बैंक में, आपकी जिम्मेदारी क्या है बैंक? ग्लोबल हेड ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। ग्लोबल हेड? आप ग्लोबल हेड है? ये तो बहुत बड़ा टर्म होता है, मतलब ग्लोबल तो ग्लोब वही ना जो गोल गोल घुमाते घर। अरे ग्लोब चेक कर रहा हूँ एक बार मैं, तुम्हें पता है बड़ा ह्यूमैनिटी से आए हो तुम, हाँ मेरे पे हंस रहे हैं। हाँ वो ग्लोबल हेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल क्राइम। क्राइम हुआ है कोई? बहुत सारे हो गए। ओ लो भैंस, और वो भी तिलक नगर में हुए। ओ यहाँ तो हो भी सकते हैं, यहाँ पता नहीं लगता। सही सही सही, तो आप उनको पकड़ने आए हैं कैसे, मतलब? हम लोग की ब्रांच है मुंबई में एंड पूरे ऑपरेशन सेंटर्स है यहाँ पे। हाँ फॉर बिजनेस बिजनेस ठीक है, ये पूरा बता नहीं रहे पर लंबा कांड हुआ है। मुझे पता है जब डॉक्टर ऐसे कहता ना आप बाहर जाओ हम बात करें मम्मी पापा से, ये वही वाला लग रहा है मुझे, ये पूरा पूरा बता नहीं रहे बट हो गया कुछ। HSBC में भी कोई भाग तो नहीं गया, बस इतना बता दो। अभी नहीं भागा, अभी है यहाँ पे, आप मिनट से पहले देख लो सर, पकड़ लो तिलक नगर में होगा मैं बता रहा हूँ। 9 बजे भैंसो बिरयानी खा रहा होगा यही, सूर्या कॉन्टिनेंटल के बाहर वैन खड़ी होती वहीं खा रहा हूँ। ओह यार एकदम से मामला एस्केलेट हुआ है भाई साहब, मजा आ गया, ग्लोबल हेड आ गए ठीक है, सब तमीज से बात करनी सबने, एंटीक बाइक के बेच दो इनको फ्रांस ले जाएंगे ये। लेकिन एंटीक के आगे ले लू लगा देना, ले एंटीक ऐसे कर, ले लू बड़ा लगाना पड़ता है फ्रांस में, मैंने देखा है वो आपकी एक साइकिल रेस होती है फ्रांस में। हाँ क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफॉर्म्स, लतूर दर फ्रांस, ले जो जो भी कह रहा है। हाँ लतूर कहते हैं उसको, ठीक है अच्छा, हम तो ले कह रहे हैं, ले नहीं हमें लगा वो साइकिल में ले टूर फ्रांस। वो पंजाबी बंदा हमें वैसे ही कम समझ में आता है, बट ठीक है आपने बड़ा ठीक तरीके से बोला। आप फ्रांस गए हो कैसे? सी फ्रेंच पढ़ी है, आपस में बातें कर लो थोड़ी देर है, उनको कुछ कह दो, ब्रुशेटा ब्रुशूटा कह दो उनको है। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, मतलब मुझे बस इतना पता है फ्रेंच ऑमलेट फ्रांस का नहीं है, मुझे ये पता है। हाँ ये मैंने सीख लिया। हाँ इंग्लैंड का है? अच्छा ये भी नहीं पता था मुझे। सही है, एक सेकंड, इतना इनोवेटिव शो है ये, ठीक है सिर्फ चुटकुले नहीं, घर जाके सीख के आए हैं कुछ, कि घर वाले पूछे बच्चे क्या बताया, इंग्लैंड का है जो फ्रेंच टोस्ट हम बना रहे ना सुबह सुबह। हाँ और तिलक नगर में कोई तो कांड हुआ है। मम्मी पापा कह रहे हैं कोई नई बात बताओ। सही सही, आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष क्या करते हैं आप? सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर, ये तो बड़ा कूल कूल प्रोफाइल है, किसके लिए करते हैं आप? मीम्स बनाने के पैसे मिलते हैं SMC में। मीम्स बनाने के पैसे मिलते हैं? Yes. अच्छा Yes. ये भी ठीक है। कौन दे रहा है? SMC कौन है अब? SMC इज अ ग्रुप। SMC इज अ ग्रुप, ठीक वाओ। आओ हम दोनों साथ खड़े हो जाए, हम भी ग्रुप लगेंगे। अरे ये क्या SMC इज अ ग्रुप, लेकिन वो क्या, उनको कौन जिम्मेदारी दे रहा है, मतलब क्या हो रहा है सब कुछ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। SMC इज अ ग्रुप जिसके अंदर की अलग अलग बिजनेसेस हैं, जैसे रियल एस्टेट भी है। रियल एस्टेट के भी मीम बन रहे हैं? Yes. अच्छा उसी के तो पैसे मिल रहे हैं, उसी के तो अच्छा क्या बात कर रहे हो। पैसा हर जगह है, हमें कोई आइडिया नहीं है। आपको HSBC में पता आपको ये बात है? इसका नहीं, अरे भाई साहब ये आप देखें, आप अभी आप ग्लोबल हेड या ग्लोबल मीम हेड जो भी, मतलब सही, वेरी गुड। आप तो आप मीम बना रहे हैं, आपकी कंपनी है, कैसे हो रहा है? आप मीम बना रहे हैं? मीम्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। हां स्ट्रेटजाइज एंड एडवर्टाइज फॉर द ब्रांड। अच्छा स्ट्रेटजी ब्रांड ब्रांड मैच हो गया आप दोनों का, वही हो रहा है, ठीक ठीक है। आप कलर बाल के लिए मीम बना दो फिर, दे देंगे पैसे, नहीं तो नेल पॉलिश दे देंगे 4-5-6। अच्छा तो आप मीम बना रहे हैं, ठीक है वेरी गुड। ना ही आप, और आप कैसे जानते हैं दूसरे को? वाइफ है फिर तो जानते ही होंगे। थोड़ा बहुत क्या मतलब, 6 महीने आपकी वाइफ है, बाकी क्या मतलब? आर्ट ऑफ लिविंग मिले थे भाई, देखो मैं
मैं सोचा जरा पूछोगे तभी बताऊंगा सच क्या seven years not six seven अच्छा भाई ये घर जाके रविशंकर मीम बना देगा मैं बता रहा हूँ ओह माय गॉड पार्ट थ्री का प्लॉट मिल गया मेरे को कि कुछ होना हो ये करना है ओ भाई साहब बहुत सही तुम भी बहनचो वहीं मिले हो तुम बता नहीं रहे हो क्योंकि लौंडों की दोस्ती इतनी चलती नहीं है तुम्हारी और कोई तार मिल चुकी है जिसके बारे में हमें नहीं पता तुम दोनों अर्थिंग तो नहीं छोड़ देना बाद में ये कहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का वेयर हाउस है क्या कोई यहाँ पे ब्लिंकिट का तो मेरे को पता है यार राजौरी में आर्ट ऑफ लिविंग का भी है क्या सर आप फ्रांस में आर्ट ऑफ लिविंग शुरू कराएं प्लीज क्योंकि फ्रांस की लड़कियां मैंने देखा है शानदार मतलब हाँ नहीं मजाक से हटके वाह वो छोड़ो यार मन कर जाता है एकदम से अच्छा तो आप 7 साल पहले मिले और फिर शादी कब हुई 2 साल पहले सही बहुत सही और आपका नाम क्या है मैम वैभवी आप क्या कर रहे हो ब्रांड मैनेजर कौन सा ब्रांड ईवाई उस कंपनी को ब्रांड मैनेजर की जरूरत है कंपनियां भी ब्रांड मैनेजर लग रही हैं ईवाई क्या अच्छा ये कैसी बात हुई उनका क्या ब्रांड मैनेज कर उनकी क्या इमेज खराब है मार्केट में द इमेज इज देयर बिकॉज ऑफ यू और जब खराब होने लगे मैं जो मीम बनवा दूँ अगला घर में बैठे वैभवी वो मीटिंग चल रही है कि यार वैभवी हो नहीं पा रहा यार मैनेज नहीं हो पा रहा कैसे करें आप रात तक वेट करो ना बैंचो ना 12 टाइम पे 4 मीम आ गए मजे मजे वो बहुत सही है तो भाई ये देख रहे हो कितनी तेज रेमेडी घर बैठे बैठे किसी को ईवाई में किसी को भी पता कि आयुष कर रहा है ये सब हाँ आयुष का अलग पैसा आ रहा है इंटरनेट से मीम चल रहे हैं वैभवी सैलरी ले आ रही ईवाई से ये दोनों जाके फिर तंदूरी शोरमा खा रहे हैं बाहर जाके जो भी कर रहे हैं मुझे पता बहुत सही आर्ट ऑफ लिविंग मुझे कार्ड दे जाना बेटे क्योंकि मैं पीछे जिनको नहीं दिख रहा मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ तीनों शानदार मॉल बनाए तीनों ने मतलब आयुष आर्यन तपन मैं कह रहा हूँ ये मर के द्वारा पैदा हो जाए इतनी खूबसूरत लड़कियां ना मिले इनको ये रविशंकर में बात है भाई साहब क्योंकि देखो सारा गेम क्या है वो कह रहा है मेडिटेट करो जिन्होंने आंखें बंद कर ली वो फुद्दू ये तो आयुष तपन और आर्यन थे कि ओ पै सारा गेम यही है भाई साहब सारा गेम यही है मैं समझ गया हूँ ओए भाई कल सुबह ज्वाइन कर लूंगा मैं बाकी सब कैंसिल करा देना YouTube चैनल डिलीट आर्ट ऑफ लिविंग शुरू ये मीम वालों का यही होता है यार ये गरम करके छोड़ दिया साले ने बट हमें क्या हमें तो वीडियो मिल गई